हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल अन्नपूर्णा किचन। आज हम इंदौर का फेमस फरसान सैंडविच बनाएंगे। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने छोटी चम्मच एक तेल लिया है, अब इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा, अब इसके अंदर करी लीव्स डालेंगे और यहाँ पे स्वाद अनुसार अदरक मिर्ची की पेस्ट। ये सैंडविच थोड़ा स्पाइसी ही होता है। अब यहाँ पे मैंने 3 बॉइल आलू लिए हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर डालूं। अब हम आलू को अच्छी तरह से भून लेंगे इसके अंदर। अभी यहाँ पे मैं शक्कर नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैं लेमन जूस भी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप थोड़ी सी शक्कर पसंद करते हैं तो आप इस समय थोड़ी सी शक्कर डाल के फिर लेमन जूस उसके ऊपर आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर फ्रेश धनिया डाल देंगे। अब ये रेडी है, हम गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा। अभी ये ठंडा हो चुका है, यहाँ पे मैंने एक प्याज काट लिया है। मैंने ये वेफर्स लिए हैं, ये ऐसे क्रश करके इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे स्वाद अनुसार चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पे मैंने ये आटा ब्रेड लिया है, इसके ऊपर हम बटर अप्लाई कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम मेयोनीज लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो फिलिंग बनाया था वो हम रख देंगे। इसे अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ये ब्रेड रख देंगे। इसी तरह से हम सारे सैंडविच रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने गरम करने के लिए ये रख दिया है। अब हम दोनों साइड से इसे क्रिस्पी कर लेंगे। अब हम पलट देते हैं। ये दोनों साइड से क्रिस्पी हो चुका है, अब हम इसे निकाल लें। अब ये सैंडविच यहाँ पे हमने रेडी करके रखा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा टमाटो सॉस लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने मिक्स नमकीन लिया है, वो उसके ऊपर हम रख देंगे। ऊपर थोड़े से अनार के दाने। अब इसके ऊपर हम चीज रख देंगे। हम इसे 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि हम अच्छी तरह से खा पाएंगे इसको। आइए अब हम सर्व करते हैं।